तो सर आपने अभी कहा आ, जो व्यक्ति अपने जिंदगी में टाइम मैनेजमेंट ठीक से कर सकता है वो एक्स्ट्रा बन सकता है सपोज दो व्यक्ति एक के पास बहुत ज्यादा काम है एक के पास कम काम है जिसके पास ज्यादा काम है वो अपने टाइम मैनेजमेंट ठीक से कर नहीं सकते लेकिन जिसके पास कम काम है वो टाइम मैनेजमेंट ठीक ठाक कर लेता है जिसके पास कम काम है वो टाइम मैनेजमेंट ठीक से कर लेते हैं लेकिन जिसके पास ज्यादा काम है वो ठीक से नहीं कर सकते इन दोनों में से आप किसको को कहेंगे क्योंकि जिसके पास कम काम है वो तो ठीक ठाक टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं जो टाइम मैनेजमेंट नहीं करना जानता या जो नहीं कर सकता उसके पास ज्यादा काम हो ही नहीं सकता right. मैं इस बात को चैलेंज करता हूं उसके पास ज्यादा काम हो ही नहीं सकता इट इज अगेंस्ट लॉ ऑफ द नेचर इस देश का प्रधानमंत्री के पास चले जाइए वो कभी नहीं कहेगा आपको कि मेरे पास समय नहीं है दिन में बीच में और चार चीजें आ जाती वो उसको भी अकोमोडेट कर लेता उन्हीं के पीएन को पूछ लीजिए भैया क्या बात आजकल दिखते नहीं हो भाई अरे साहब क्या करे वो प्रधानमंत्री जिसका ड्यूटी में है वो छोड़ता ही नहीं कहीं समय मिलता ही नहीं बीवी बच्चों के लिए समय नहीं मिलता भाई वो ऐसी बात करता ये, ये आप सोचिएगा इस पर मेरा ख्याल से ये प्रश्न ठीक नहीं है जिसके पास समय मैनेजमेंट नहीं है वो उसके पास काम ज्यादा नहीं हो सकता हाउ टाइम मैनेजमेंट इज हेल्पफुल इन स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स और फॉर लाइक एम्प्लॉयज एंटर्ड इन द corporate लेवल और कॉर्पोरेट जॉब्स देखिए जब आप अपना समय से हर चीज करेंगे यानी मुझे वो चौपाई तो पूरी तरह से याद नहीं है लेकिन जब भगवान राम हनुमान जी को सीता की खोज में लंका भेजते हैं तो उस चौपाई का मतलब मुझे सिर्फ याद है उसमें वो लिखते हैं कि हनुमान जी बड़े खुश हो के ख़ुशी खुशी से पहाड़ पे चढ़ गए और उस पहाड़ से जो उन्होंने छलांग लगाई तो समुद्र के दूसरी पार चले गए अब एक तरह से तो आप इस रूप से देखते हैं जो कहा उसमें लिखा गया लेकिन हमने जो उसको लिया वो इसलिए इस प्रकार से लिया कि उसने एक अपनी वेल प्लानिंग की वो पहाड़ बनाने के रूप में पहाड़ के रूप में उसने प्लान किया कि मुझे वहाँ जाना है और खुशी खुशी इसलिए किया कि टाइम मैनेजमेंट था उसके पास समय था उस चीज़ को प्लान करने के लिए तभी वो खुशी खुशी उसकी छलांग लगा के उधर जा सके ये मेरा टेक है उससे हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन जो व्यक्ति टाइम अपना ठीक से मैनेज कर सकेगा जो व्यक्ति केवल वो पाँच मिनट और वाली बात छोड़ देगा वो स्ट्रेस नहीं आएगा उसको कभी बल्कि आप समय से पहले कर पाएंगे अपने काम को और समय से पहले कर लिया तो कोई स्ट्रेस किस बात का है स्ट्रेस इसीलिए होता है जब आप कहते हो अच्छा मैं ये काम करने के लिए जा रही हूँ नई जॉब है नई चीज है ठीक कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी समय से कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी यही तो प्रश्न उठते हैं ना या क्या प्रश्न स्ट्रेस किस लिए होता है आपको नहीं जॉब में जाते तो इसीलिए होता है या और कोई कारण है तो बताइए स्ट्रेस का डर तीसरा कारण होता है कि डर चाहे नौकरी छूटने का हो चाहे बॉस को नाराज करने का हो चाहे किसी प्रकार का हो तो डर तभी होगा यदि आप समय से ठीक नहीं करेंगे समय से नहीं करेंगे ठीक नहीं करेंगे गलती करेंगे मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंस होता है कि कई बार एक हमारे कलीग्स आते हैं मेरे रूम में जब आते हैं तो मैं उनसे पूछ कुछ रहा होता हूँ उनका उनका दिमाग कुछ और सुन रहा होता है पूछता हूँ भाई क्या हुआ उनको अंदर से डर है कि यार बॉस है पता नहीं क्या पूछ लेगा क्या कह देगा जब आपके पास अंदर डर घुस गया डर एक ऐसी चीज है वो मल्टीप्लाई करती है आपको टाइम मैनेजमेंट क्या सब कुछ भुला देती है इसलिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी है सर आपने अपनी पैंसठ वर्ष की आयु में बहुत सारी ऊंचाइयां हासिल करी हैं बट कुछ चोटियां आपने छोड़ भी दी होंगी सम थिंग्स आर अर्जेंट सम थिंग्स आर इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन इज समय रहते हुए उस चीज का चयन कैसे करें कि किसको पकड़ना और किसको छोड़ना है एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछता हूं आजकल बड़ी टेलीफोन कंपनीज का ब्रॉडबैंड कंपनियों का आप इश्तहार देखते हैं जी उसमें वो क्या कहते हैं कि रोज का 20 मिनट फ्री टॉक टाइम होता है कि नहीं तो आप क्या करते हैं उसका ओके उसी दिन यूज करते हैं उसको क्योंकि आपको पता है कि रात के जब 12 बजे तो ये 20 मिनट का फ्री टाइम गया जीरो हो जाएगा अगले दिन सुबह 11 तो बजे भी मन में आता है यार मैं अपनी गर्लफ्रेंड को फोन कर ही लवा है गए दस मिनट बाकी फ्री टॉक टाइम है उसको यूज कर ही लोगे कैसे भी लेकिन जो भगवान ने 1440 मिनट आपको दिए हैं रोज सुबह वो आपके खाते में जमा करता है उसकी वैल्यू नहीं करते उसकी कदर नहीं है जिस चीज की कदर आप करते हो उसकी वैल्यू करते हो, उसकी आप इस्तेमाल करते हो उसको चूज करते हो उसको सब कुछ करते हो उसकी इज्जत भी करते हो Thank you. Thank you. सर एक बहुत समय पहले एक फिल्म आई थी उसका नाम था वक्त उसमें बलराज सहनी साहब ने बोला था कि गुजरने के पहले वक्त हमेशा लंबा ही लगता है सर गुजरते वक्त के साथ हमें ऐसे बहुत से होंगे जिनको डिससेटिस्फैक्शन बहुत सारे हैं बहुत सारी रिग्रेट्स डेवलप हो गई मन में कि हमारी अपॉर्चुनिटीज मिस हो गई या कुछ बातें रह गई तो रिग्रेट्स अपने दिमाग से भुलाई कैसी जाए और कैसे उनको हैंडल करें इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? टाइम मैनेजमेंट नेवर टीचेस यू टू रिग्रेट देर इज नो रूम फॉर पश्चाताप इन द टाइम मैनेजमेंट और बल राजधानी के समय की बात आपने कही तो मुझे वो गाना याद आता है कोई लोटा दे मेरे बीते हुए दिन बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन ये बीते हुए दिनों की बड़ी बात है लौटा नहीं सकता कोई इसे रिग्रेट मत करिए हाउ बाय नॉट अलाउंग द टाइम टू रूल यू इट इज लाइक सांप सीढ़ी का खेल खेला होगा आप लोगों ने yes, सांप सीढ़ी खेलते हैं तो क्या खेलते हैं अब कभी सीढ़ी चढ़ते हैं कभी सांप काटता है तो नीचे आते हैं और क्या कहते हैं ओ मत करिए मत करने दीजिए जिंदगी को भी सांप सीढ़ी का खेल समझिए इसमें वो भी होगा सीढ़ी पे जाने का भी और नीचे आने का भी दोनों को एक्सेप्ट कर लीजिए समय लंबा भी नहीं होगा रिग्रेट भी नहीं आएगा इसके साथ ही ये आज का एपिसोड यहां रोकते हैं थैंक यू